आजादी के अमृत महोत्सव के तहत परिवहन विभाग ने राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रोड सेफ्टी की जानकारी प्रदान की। एआरटीओ निखिल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बढ़ रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल स्तर पर जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करते हुए युवाओं को रोड सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है। एआरटीओ ने वाहन चालकों से अपील की है कि वह यातायात के नियमों का पालन करें। देखिए, हमने ये बागेश्वर इंटर कॉलेज के छात्रों को रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी के लिए गोष्ठी आयोजित की थी। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अभी हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत ये गोष्ठी कल आयोजित की गई थी बागेश्वर इंटर कॉलेज में, जिसमें कि सीओ कपकोट, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बागेश्वर, आपके समाज कल्याण अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी, इन लोगों ने प्रतिभाग किया था और इस गोष्ठी का सफल समापन हुआ कल, और जिसमें कि हमने लगभग 100 बच्चों को अवेयर कराया और उनसे यही अपेक्षा की गई है कि वो आगे और अपने थ्रू हर एक बच्चा कम से कम 15-20 लोगों को और अवेयर कराए, जिससे कि जो रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस है वो बढ़ सके। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो रोड सेफ्टी के जो इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर होता है एजुकेशन का, जो हमारे 4 E's हम जो कहते हैं, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और एजुकेशन। तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है एजुकेशन का, तो हमने उसी के अंतर्गत जो बच्चों को ये रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर कराया है और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो उन जो भी अवेयरनेस उनको मिली है उसका वो पालन करेंगे और अपने जो भी उनके बड़े हैं घर में या जो भी उनके भाई बहन हैं, माता पिता हैं जो गाड़ी चलाते होंगे, उनको भी उसके बारे में वो जानकारी देंगे। तो जैसे कि इसमें अभी हमने देख रहे हैं कि रोड सेफ्टी एक बहुत मेजर इशू हो गया है इस समय। अगर हम ऑल ओवर इंडिया के बारे में देखेंगे तो रोज़ 415 डेथ्स हो रही हैं रोड सेफ्टी से, जो कि आज की डेट में कोरोना से जो डेथ्स हो रही हैं उससे भी ज़्यादा डेथ्स हैं। तो और अभी फ़िलहाल हमने बागेश्वर में भी देखा कि एक सड़क हादसा हुआ है और या विकास नगर में भी एक सड़क हादसा हुआ है। तो सड़क हादसों को रोकने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस होना। तो उसी के अंतर्गत हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही हमने रोड सेफ्टी अवेयरनेस का ये प्रोग्राम किया था इंटर कॉलेज के छात्रों के साथ। CGN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।